वेलकम टू सिटी सेस टीवी और ये है हमारा ब्रांड न्यू सेगमेंट खाना पीना विद सिटी सेस। ये है खाना पीना विद सिटी सेस और आज हम मिल रहे हैं जुनेद खान से जो हमें लेके जाएंगे टू ट्राई थ्री ऑफ हिज फेवरेट लाहौरी डिशेस एंड ही मस्ट हैव दीज व्हेनेवर ही इज इन लाहौर। सो लेट्स गो ट्राई दीज डिशेस एंड सी व्हाट जुनेद हैज इन स्टोर फॉर अस। सो जुनेद, लाहौर का खाना के कराची का खाना? भैया कराची का खाना ओवर द पास फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके है। काफ़ी लोगों ने नए नए रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इतना कुछ खुल चुका है कराची में। मैं so you're saying कराची का खाना, कराची का खाना काफ़ी इम्प्रूव करके थैंक यू। फिट रहने के लिए तीन चीज़ें जो हर किसी को खानी चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए आपको, आपकी डेली जो है आपको थोड़े कार्ब्स भी लेने चाहिए ऑफ कोर्स एंड योर डेली डोज ऑफ विटामिंस आपको जरूर लेने चाहिए। वर्कआउट के बाद व्हाट इज द आइडियल मील टू हैव? के बाद आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है किसी फॉर्म में ले लें आप। प्रोटीन शेक्स मैं रेकमेंड नहीं करता आपको, नेचुरली जो भी चीज़ें मिल जाती हैं चाहे वो चिकन है, फिश है, कॉटेज चीज़ है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा, सड़क पे रुक के ढाबों शाबों से या रेडियो से खाना खाते हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स। देखें फेवरेट स्ट्रीट फूड बताओ। कॉलेज के ज़माने में मैं चने और वो खाता था, चने और नान चने बहुत फेवरेट थे मेरे, वो बहुत ज़रूरी है और मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करता स्ट्रीट फूड, मैं खाता हूँ। So, एक चीज जो तुम कहीं भी रुक के खा सकते हो? नान चना, चने। लड्डू पीठी में? लड्डू पीठी अगर इतनी फ्रीक्वेंटली मिल जाए तो, लेकिन लाहौर में कुछ कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ मिलती है, लेकिन हाँ अगर मिल जाए तो मैं बिल्कुल रुक के खाता हूँ। The first thing that जुनेद खान recommends कि आप जरूर ट्राई करें अगर आप लाहौर में हो है रोश, मटन रोश, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, जहाँ भी हो, मैं बहुत पसंद करता हूँ मटन रोश। लेकिन इस जगह पे ख़ास तौर पे, इस रेस्टोरेंट पे जो है रोश मुझे ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। फर्स्ट थिंग आई ईट गर्म पानी पीने के अलावा कॉटेज चीज़, थोड़ा सा, और एक एक टेबल स्पून ग्राइंड ओट्स जो होते हैं पानी में। ओके, डू यू हैव अ गो टू चीट मील? लाइक क्या खाते हो चीट मील में? मीट, मीट, उसमें मीट हो सकता है, कढ़ाई हो सकती है, उसमें उसमें बारबेक्यू हो सकता है, उसमें घी वाले आइटम हो सकते हैं, कुछ भी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन वीगन डाइट सिंस यू आर सच अ मीट पर्सन? I haven't tried it, लेकिन I would love to try it. पूरी दुनिया अगर वीगन पे जा रही है और ये रिसर्च कह रही है, साइंस कह रही है कि इसमें इतनी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इतना इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं, I would love to try it. I will try it one day. Do you snack between regular meals? I do. Snack में बहुत अगर भूख लग रही हो तो almond butter, otherwise fruits. Okay. What do you eat or lunch on? On sets while shooting. लंच पे क्योंकि ऑफ कोर्स खाना सबके लिए आया होता है और मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आई वुड हैव सैलड्स ओनली या कोई फैट फ्री। जो भी खाना आता है, जो भी सालन आता है, आई टेक दैट विद स्पून, तो माई माइनस द चावल एंड रोटी और चम्मच के साथ सब खा लेता हूँ। डेस्टिनेशन पे जो जुनेद की हाईली रिकमेंडेड डिश है दैट यू मस्ट ईट इन लाहौर एंड व्हेन ही कम्स इन ही हैज टू हैव इट। सो वी आर एट जेसीज और हम क्या खाने लगे हैं? हम यहाँ पे द ग्रैंड बीफ खाने लगे हैं। बर्गर्स की जब बात आती है तो फिर बीफ की बात आती है और बीफ हैज टू बी ग्रैंड। दैट साउंड्स लाइक ओके, इज इट गोना बी लाइक आपको थोड़ा सा जॉज को थोड़ा सा करना पड़ेगा। सो हम अपने जॉज फ्लेक्स करते हैं जब तक बर्गर नहीं आता। सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग दिस ऑन जुनेद रिकमेंडेशन द ग्रैंड बीफ एट जेसीज। ओके, वाह, व्हाट ए नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग, दिस इज पीस ऑफ आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अ बर्गर। जुनेद आज तक सबसे अजीब चीज़ क्या खाई है? सबसे अजीब चीज़ मुझे ऐसे कुछ अजीब लगता नहीं है, मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि इसको जो भी खिला दो ये खा लेता है। हाँ। और ऐसा ही हूँ मैं, सब कुछ खा लेता हूँ, मैं सब कुछ इंजॉय करता हूँ एज लॉन्ग एज इट्स हलाल। तो हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, अजीब कुछ भी नहीं है दुनिया में, सबका कुछ ना कुछ
किसी ना किसी का कुछ ना कुछ फायदा जरूर है. ओके, नेम थ्री बेस्ट बीफ डिशेस यू हैड. बीफ डिशेस, वन इज राइट हियर आई थिंक. वन इज राइट हियर, बीफ. या देन देयर इज अ स्टेक, बीफ स्टेक. और उसके अलावा फिर बोटी होती है बीफ. हां हां हां. ओके नाउ क्विकली, वेरी वेरी क्विकली, स्टेक और बीफ बर्गर. स्टेक. बिरयानी और पुलाव. पुलाव. स्पाइसी और माइल्ड. स्पाइसी. पापड़ा चाट या पकौड़े. पकौड़े. कॉफ़ी या चाय. कॉफ़ी. लाहौर या कराची. पाकिस्तान. Got that one right. So very quickly, मैं लोगों का नाम लूँगी and you will tell me where would you take them for a casual lunch. ठीक है. सबा कबर. पुलाव खिलाने लेके जाऊँगा. पुलाव. हीरा मानी. हीरा को कहीं गोल गप्पे और पापड़ी चाट टाइप. ओके. मुनीब भट्ट. उसको कोई अच्छी किस्म की दुम्बा कढ़ाई. ओके. दानिश नवाज. रोश. हमजा अली वासी. मेरे ख्याल में जैसी जी बर्गर. और इमरान खान. इमरान खान. इमरान खान को जो है क्या खिलाएं. इमरान खान. इमरान खान तो आपको बता ही है, फिर कंधारी नान और पटे तक ही खाएगा पठान. चलो ग्रेट. तीसरी चीज़ जो जुनेद चाहते हैं कि हम ट्राई करें लाहौर में, समथिंग दैट ही कैन नॉट डू विदाउट ऑन एवरी ट्रिप इज. ये तो एब्सोल्यूट मस्त है जी. ये बीफ बोटी भैया कबाब. सिद्दीक भैया है यहाँ पे मॉडल टाउन में, डी ब्लॉक में. और इसकी अफगानी बीफ बोटी जो होती है वो डाई फॉर मेल्ट इन माउथ. जुनेद कहता है आप खाएं एंड इट मेल्ट्स इन योर माउथ एंड हैज द राइट फ्लेवर. वो भी पराठे के साथ. ओके लेट्स ट्राई इट. सो हियर वी हैव ना सादा रोटी पराठा एंड वन बीफ बोटी प्लेट ईच. आप नान के साथ खाएं, मैं पराठे के साथ. ओके लेट्स सी. वो गरम है. लुक्स यम. स्मेल्स यम. जी ओके जी शुरू करें. गरम नहीं. थैंक यू. चटनी नहीं. नहीं नहीं सिर्फ बीफ बॉडी. वाह वाह. ये तो खाली बोटी खाएँ, नान की भी ज़रूरत है. इट्स सो टेंडर, इट्स सो जूसी, बिल्कुल चुई नहीं है. एक्चुअली इट्स लाइक टू बाइट्स एंड इट डिसॉल्व्स. द राइट टेस्ट, द राइट अमाउंट ऑफ जो इसकी है वो है, जो इसके हीट लेवल भी बहुत राइट अमाउंट है. नो एक्स्ट्रा मसाला. हाँ राइट अमाउंट ऑफ मसाला. ब्रिलियंट ब्रिलियंट रियली ब्रिलियंट. ओके सो जस्ट टेल मी कि फोटोशूट से पहले do you like take care of your diet and you eat something specific? No, do karna chahiye. Main sunta hu logo se ki jo professional models hain wo pani peena band kar dete hain pehle taki unka water khatam ho jaye. Lekin nahi, main I keep things normal because I'm not a model. Okay. So I keep things to how I usually am. Okay. And tell me ke do you ever cook? Kuch bana lete ho khana? Really? Jab main eggs बहुत पसंद करता था. which is all my life. Yeah. So I used to cook all sorts of eggs. Recently मैंने थोड़ा छोड़ दिया because of cholesterol. तो अंडा उबाल लेता. अंडा उबालना, ऑमलेट फ्राई जो सनी साइड अप परफेक्टली. Oh my God. इसके अलावा मैं कढ़ाई वगैरह बना लेता हूँ, मैं दालें बना लेता हूँ. The one food जो बचपन में अम्मी बनाती हूँ that you still remember and you just crave it कि अम्मी ये खाना है. आलू गोश्त सालन मेरी बहुत फेवरेट डिश है. आलू गोश्त सालन पराठे के साथ और अंडे के साथ. अम्मी वैसे हर डिश बहुत अच्छी बनाती हैं. हाँ. लेकिन आलू गोश्त सालन ऐसा है कि अभी भी मैं जहाँ भी होता हूँ, अगर शहर से बाहर भी हूँ तो वहाँ का मैं कराची में कुछ रेस्टोरेंट्स मैंने ऐसे पिक किए हैं जहाँ से मैं आलू गोश्त सालन मंगवाता हूँ. ओके. और बहुत मज़े का. इट इज़ बेटर विद द पराठा फॉर श्योर. सो ये था हमारा रियली इंटरेस्टिंग फूड जर्नी विद जुनेद खान. वो ही शोड अस थ्री मस्ट हैव डिशेज इन लाहौर जो वो हमेशा आके ज़रूर ट्राई करते हैं. I hope you try these. Give us your feedback. Who would you like to see next on our show? And don't forget to subscribe to City Says TV and hit the bell button. Next time.